नहीं मिला मौका तो मोहम्मद शमी ने मांगी बीसीसीआई से माफी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने के लिए फिट है। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें इस सीरीज के लिए नहीं चुना, जिसके बाद शमी का दावा झूठा साबित हुआ। टीम के ऐलान के कुछ समय बाद मोहम्मद शमी ने वीडियो शेयर करके बीसीसीआई से माफी मांगी। शमी ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, मैं गेंदबाजी के लिए फिट और बेहतर होने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। मैं मैच खेलने और घरेलू रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होने के लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं अपने क्रिकेट फैंस को और बीसीसीआई से माफी मांगता हूं। मैं बहुत जल्द रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप सभी को मेरा प्यार। शमी जल्द ही बंगाल के रणजी ट्रॉफी में मैदान पर उतरेंगे। रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले शमी की फिटनेस को लेकर बड़ी अपडेट दी थी। उन्होंने कहा था, ईमानदारी से कहूं तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर शमी पर फैसला लेना बेहद मुश्किल है। उन्हें एक और झटका लगा है और उनके घुटने में सूजन है। अब उन्हें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है। शमी एनसीए में डॉक्टर और फिजियो के साथ है। हम चोटिल्स को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते। मोहम्मद शमी को बीते साल नवंबर में चोट लगी थी। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान वह चोटिल हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से शमी ने अब तक कोई मैच नहीं खेला है। उनकी सर्जरी भी हुई, इसके बाद से वह लगातार रिहेब में है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि शमी फिर से चोटिले हो गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इसे महज अफवाह बताया था। हालांकि फिलहाल वही बातें साबित होती दिख रही है।